जो आज हम तरंग प्रकाश की में पहले व्यक्ति करण कर रहे हैं। एक व्यतिकरण में हम सबसे पहले यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत में बता देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, जब माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे किसी रंगे कहीं मिलती है तो उस बिंदु पर का कुल विस्थापन प्रत्येक तरंग के विस्थापन का सदिश योग होता है, अर्थात y इक्वल टू y1 प्लस y2 डैश यहां पर yn के बराबर हो। तो माध्यम में जब दो या दो से अधिक तरंगे मिलती हैं तो कुल विस्थापन प्रत्येक तरंगों के कारण प्रत्येक कण के विस्थापन के लिए हर तरंग के विस्थापन का योगफल के बराबर होता है, और इसी को मैं कहता हूँ व्यतिकरण के लिए। तो व्यतिकरण मेरे पास ऐसा होता डिफाइन होता है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, दो कला संबंध स्रोत से आने वाली लाइट को या प्रकाश को लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं, जब जब एक वर्णी प्रकाश की दो तरंगे किसी कला संबद्ध स्रोत से आती है तो माध्यम में अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता
और एकदम होती घटना इस घटना को प्रकाश का कहते। देखिए क्या है, हमारे पास अगर मैं यहां पर मान लीजिए एक कला संबंध एक सोर्स ऑफ लाइट कर देता हूं यहां पर, ठीक, और इससे प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं। इसके सामने मैं कर्टन लगा देता हूं या एक कार्डबोर्ड रख दूं और इस कार्डबोर्ड में दो होल कर देता हूं, ठीक, ये होल कर दिया मैंने, तो आप देखिए यहां पर आपके सामने दो होल बन गए S1 और के कारण जो तरंगे निकल रही हैं वो यहां पर अध्यारोपित होती हैं, और जब ये अध्यारोपित होती हैं तो यहाँ पर एक नया घटना स्टार्ट हो जाती है। बीच बीच में तो मेरे पास कैसा जाता है, ब्राइटनेस मिल जाती है ये, ठीक, फिर आगे क्या हो जाता है, पूरा ये डार्क फ्रिंज बन जाती है, डार्क स्ट्रिप बन जाती है, इस साइड भी आपके पास डार्क स्ट्रिप बन गई। फिर आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर राइट, फिर ऐसा डार्क, फिर ये हो जाता है ब्राइट, फिर ऐसा जाता है यहाँ पर डार्क, तो डार्क ब्राइट ऐसे होता, पट्टियाँ दिखाई देने लगती हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता, नंबर एक कहलाता है संपोषी संपोषी गति संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, माध्यम की तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की तीव्रता कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो तरंगें ली, पहली तरंग मान लीजिए मेरे पास ये जा रही है लाइक दिस, ये दूसरी तरंग को मैं यहाँ पर ऐसा ले लेता हूँ, ये मेरे पास दूसरी तरंग जा रही है, ये इनके आयाम मेरे पास कैसे हैं, लगभग बराबर है, इसका आयाम आप A1 मान लो और इसका आयाम आप क्या मान लीजिए, A2 मान लीजिए, ठीक, 0 B/4 तो ये आ गया 3T/4, ये हो जाएगा T के इक्वल, ये आपके पास एम्पलीट्यूड A0, यहाँ पर क्या कर लीजिए -A0 कर लीजिए। तो जब माध्यम में क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ्स मिलते हैं, यानी यहाँ पर
दोनों के उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु एक साथ मिलते हैं तो एक नई तरंग बनती है, और ये तरंग मेरे पास क्या होगी, ये परिणामी तरंग हो जाती है, परिणामी तरंग हो जाती है। और परिणामी तरंग का आयाम यहाँ पर हम कितना लेके चल रहे हैं, ये हो रहा है ए नॉट, और ए नॉट या परिणाम या आयाम बढ़ जाने के कारण ठीक तो आयाम आपके पास यहाँ पर कितने के इक्वल है, ए नॉट। ठीक है, तो आपको मालूम है तीव्रता समानुपाती ए नॉट स्क्वायर आयाम के स्क्वायर के कारण के समानुपाती होती है, इसलिए माध्यम में इन बिंदुओं की प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, संपोषी व्यतिकरण बोल देते हैं। दूसरा हो जाता हमारे पास कैसा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मान लीजिए प्रकाश की दो तरंगें जा रही हैं, पहली तरंग ये है, दूसरी तरंग मेरे पास ये जा रही है, ये ठीक है, जीरो डी बाई फोर डी बाई टू ये हो रही है, डी टी बाई फोर ये हो गया टी के इक्वल। अब मान लीजिए इस तरंग का आयाम है ए टू है, ठीक है, तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर जो तरंगे हैं इनके आयाम अपोजिट हैं, इसलिए क्या कर रहेंगे, इनके आयाम एक दूसरे को कम कर देंगे और यहाँ पर एक परिणामी तरंग बनेगी जिसका आयाम कैसा होगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये कैसा हो गया, परिणामी तरंग। और परिणामी तरंग का आयाम यहाँ पर कैसा हो गया, कम हो गया है, इसलिए तीव्रता यहाँ पर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब प्रकाश की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से कम होती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ तीव्रता अधिकतम हो जाती है उसको संपोषी, और जहाँ जहाँ तीव्रता अधिकतम हो जाती है उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन आपके पास आती है।